हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेसलिंग न्यूज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि WWE जानी जाती है अपने बड़े बड़े सरप्राइजेज और अनएक्सपेक्टेड थिंग्स के लिए। और गाइस, अगर बात हो रेसलमेनिया की तो यहाँ इन चीज़ों की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस साल की रेसलमेनिया है वो है ओनली रेसलमेनिया 2 वीक और जस्ट 1 नाइट। तो गाइस, हमें यहाँ रेसलमेनिया के बड़े बड़े थिंग दिखा सकते हैं और हमें सरप्राइज कर सकते हैं। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि जिस घड़ी पर जिस पल का हमें इंतज़ार था वो पल आ चुका है। ये पल आपकी धड़कनें भी बढ़ा सकता है। तो आपकी धड़कनों को विराम देने के लिए मैं आई हूँ नीति चौहान, आपकी होस्ट एंड दोस्त, हाजिर हूँ न्यू अपडेट के साथ। WWE रेसलमेनिया 36 रिजल्ट लाइव पहला दिन। WWE का सबसे बड़ा इवेंट इस साल और भी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि यह 2 दिन आने वाला है। हालांकि कोरोना वायरस के कारण इस साल मीडिया परफॉर्मेंस सेंटर में होगा और इसी वजह से एक भी फैन नहीं होगा, तो इसे थोड़ा मज़ा की गिरा हो गया है। फिर भी यह इवेंट इतना बड़ा है कि सभी की नज़रें इसी पर रहने वाली है। रेसलमेनिया की शुरुआत से पहले ही रोमन रेंस इवेंट से बाहर हो गए हैं और अब उनकी जगह स्ट्रोमैन यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए गोल्डबर्ग को चैलेंज करेंगे। इस बात का ऐलान स्मैकडाउन के एपिसोड में हुआ। स्ट्रोमैन के पास पहली बार यूनिवर्सल चैम्पियनशिप जीतने का सुनहरा मौका होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार जीतने से वो रह गए हैं। अब स्पेशल न्यूज, बैंकी लिंच वर्सेस शायना बैजलर वुमेन्स चैम्पियनशिप। जी हाँ, बैंकी लिंच और शायना बैजलर आए आमने सामने। बैंकी लिंच ने शानदार तरीके से डामैन के ट्रैक से एंट्री की और शुरुआत में शायना को अपने ऊपर दबाव नहीं बनाने दिया। बैजलर के ऊपर लिंच ने शानदार मूव लगाए, लेकिन जल्द ही बैजलर ने वापसी करते हुए मैच में पकड़ बनाने का प्रयास किया। लिंच रिंग पोस्ट पर बैजलर को मार रही थी। लिंच ने बैजलर को एप्रन पर पटक दिया। लिंच के कवर करने का प्रयास किया, लेकिन शायना ने किट आउट किया। बैजलर ने पलटवार करते हुए आर्म बार, लेकिन लिंच ने खुद को बचाया ना चाहा। हालांकि बैजलर ने फिर से लिंच जकड़ लिया। बैजलर रिंग के बाहर लिंच के सिर को टेबल पर पटक रही थी। शायना बैजलर ने बैंकी लिंच को सबमिशन में जकड़ लिया था, लेकिन द मैन ने बेहतरीन तरीके से पलटवार किया और शायना को रोलअप करते हुए इस मैच को जीत लिया। इसी के साथ उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर दिया। बैजलर को उनकी पहली हार मिली मैन रोस्टर में और वो निराश नजर आ रही है। ये तो था रिजल्ट बैंकी लिंच और शायना बैजलर का, जिसमें बैंकी लिंच ने शायना को हरा कर जीत को अपने नाम कर दिया। इस मैच में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या राय है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली न्यूज़ के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.
chance you won't be able to recover from this. I've been talking about Dolph Ziggler. He's been in a gone through so much in this match. It's amazing that they're still able to stand. Batman, 2.5. Dangerous. She was amazing all match long. Flawless technique, relentless attacks, and she brought it all night long. Here is your winner, Becky Lynch.